हमारा नाम मंजू है, नड़ू के अंदर रहते अटे काम करने के लिए आए हैं। कोयला का काम कर रहे हैं, लकड़ी काट काट के। पहले चून बाटा करता था, पहले गट्टी बेचता था, गट्टी खोदता था, गट्टिया को गद्दी के ऊपर पैर लेके इसको बेचने जाता था गांव में, जिससे फिर आगलत हो गया। अब काम बहुत हो गया मुझ पर, एक एक लकड़ी बेड़ी करता है, बुढ़िया को काट काट के बेड़ी करके फिर आई देने लग गया। सुबह से उठते हैं, चाय पानी बनाते हैं, रोटी वोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, फिर काम पर लग जाता है। पहले क्या करते हैं, पहले जाते हैं लकड़ी को ढूंढते, लकड़ी को गुड़िया दे देता तो इसको काटते सारे मिलके। एकली का तो पार पड़ता ही नहीं है, कोई कुआड़िया बाता है, कोई काटता है, कोई सड़े करता है इसको, कोई जमाते हैं फिर यहाँ जमा के फिर इसको भर के इकट्ठा करके फिर भट्टी के अंदर लाते हैं। अब मेरा भट्टी है खोलने का, पाची भरने का, फिर ऊपर चंदर पे कर देते हैं, सरिया लगाते हैं, कचरा डाल के फिर बादी सड़गाते हैं इससे, फिर पीछे गारा से लेके फिर पाची सड़का का काम, ढकना का काम है हमारा। तो आदमी खत्म हो गया बाद में, फिर ऐसे काम करने लग रही है। एकली से तो है नहीं, कहाँ जाए एकली, नहीं साधन चलाती हूँ, नहीं काई करना चाहती थी। आल बच्चा बच्ची छोटा छोटा है, एक लड़का बड़ा है जो काम करने तो जाता है, दूसरा छोटा है, कभी लकड़ी पकड़ा देता है, कभी खेलने को चल जाता है, कभी मदद कर देता है हमारी। कह ले भाई मम्मी अकेली काम कर रही तो हम छोटे मोटे काम जला देते हैं, लकड़ी बाटा। पहली खाली कर देते हैं पहली वाली भट्टी को, फिर मायने से भरते हैं नीचे से, नीचे से भर बिस्कुट गेट बंद कर देते हैं। पहले सड़का देता है इसको भर के, फिर छोटा छोटा छेद कर देता है भट्टी के अंदर, तो इसलिए वह धुआं कड़बो करता है और पकता करता है। पानी बहुत दूर, एक कोस से तो पानी लेकर आता है, 1 किलोमीटर से, तो इसके ला ला के तो भट्टी चुकी है, भट्टी चुक के फिर अब कोयला पका रहे हैं। तो नहीं है तो बाईपास आस के सारे से 1-2 किलोमीटर है बाईपास के आगे, जो रोड चलती है जयपुर वाली, जिससे 2-3 किलोमीटर लगा है। 15 आदमी 7 भट्टी को रोज की भरते हैं, 1 भट्टी रोज की भरते हैं, खोलते हैं, एक के तो पार पड़ते ही नहीं, 1-2 को तो 15 आदमी ओके भर भरते हैं इसको। इसको खोलो, खोलो निकालो इस। इंटा हटाओ, इंटा हटाओ, निकालो इंटा, निकालो ऐसा भाई। 4 दिन तो जलने को लग जाता है, 4 दिन ठंडी लगने को लग जाता है, 7-8 दिन के अंदर पर खोलता है भट्टी। इसके चेक कर दिया, चारों में चेक कर दिया धुआं कटने के लिए, फिर इसको चेक कर दिया तो वह 10 दिन ले लिया ठंडी होने के लिए, बढ़ के ठंडी होने के लिए, फिर 10 दिन बाद में कह दिया तो इससे किसी को लग गया। ऐसे धुआं आता है ना, ऐसे पाचे भट्टी खोलते हैं जैसे एकदम पपक आती है, ऐसे मुंडे के अंदर आती है, जिसे सीधे पेट में जाती है, खाक बिल्कुल पेट के अंदर जाती है। हमारा कोई जानकार था तो वो बताए भाई ऐसे लकड़ी काट के ऐसे जमा के ऐसे बाल के रखना, इसको कोयले को ऐसे पकाया सिखाया, फिर ये काम करना पड़िया मेरे को मजबूरी में, क्या करा। आई करा तो रे बारी जिगी कौन तो करा खाई, फिर किसे किसे टाइम पास करन तो जिंदगी काटनो, कैसे कैसे तो गाड़ी घुड़ाता ही रहना पड़ेगा।
खाने की तो रोटी नहीं मिल रही। 5 रुपये किलो बेचता है, वो वजन का पैसा हमारा आता था इसलिए काट काट के घूम उसके घूम घूम के तो इसको ढूंढना पड़ता है बलैती को, जा मिले जाए। फिर अभी अब यहाँ पे बढ़िया कोई ये बीतते ही दूसरे गांव देखेंगे तो वहाँ भी झोपड़ी लगा के वहीं बाढ़ के रहना पड़ेगा। धंधा है कुछ दिन तो पैसे ज़्यादा देते, कुछ कम पड़ जाता तो घाटा। दिवाली का महीना आता है ना इसलिए कोई आता तो दिवाली के कपड़े लत्ते ले आए, बच्चे बच्चे के खाने के लिए आए, फटाखा का डेरा ले आए। अब के महीने में तो कुछ नहीं, यही महीना चल रहा है ना इसमें तो अभी घाटा ही लग रहा। बिल्कुल पसंद नहीं है काम, तो भी क्या करता है, इतना आदमी के अंदर हमारी टाइम पास हो रही है, धन निकल जाता है, ऐसा आड़ता नहीं है भाई, धन आता नहीं उगया नहीं है, ऐसे कट जाता है। मेरी बहन है, मेरे भजैया है, काम करती है तो वह सारा दे देती है मेरे को, मिलजुल के पूरा काम कर देती है, बच्चा बच्ची के साथ खेलने ले देती हूँ शाम को, सुबह का लगता है शाम को बच्चा बच्ची के साथ खेलने लग जाते हैं कुछ करने के लिए। लकड़ी तोड़ के लार मिलते चूल्हे के अंदर, फिर सलगाते, फिर कांदे की चटनी बना लेते, मिर्च की चटनी बना लेते, फिर रोटी पका के बना के खाना। स्कूल जा रही है एक बच्ची, नड़ू के अंदर जा रही है, वह कहती मम्मी आज वैसे मैं कहता है मेरे को खुश करिए, आज मास्टर साहब मैडमा ऐसे में बहुत अच्छा लगता है इसको जी। अब पादल है बच्चा बच्ची चार कहता है हम भी जाएंगे स्कूल, बढ़िया लगता है बच्चा बच्ची को, सारे को इकट्ठे कर देते, बेनाले को बैठा देते, मेरा भतीजा है बिस्कू बैठा के खिलाते हैं, छोटा छोटा ही अभी 2 साल का ये भतीजा बिस्कुट खोले में लेके खेलते, इसका लाड करते, ये बच्चा बच्ची बहनों का हमारा करके सारे के गट्टो करके फिर खेलने लग जाते हैं, ये सारे फिर मेरे पास रह जाता है खेलने को शाम को। परिवार की वजह से सुख, मैं अकेली तो सुख नहीं पाती, परिवार रहती है, भुजाएँ रहती है, वे सारा दे देती है मेरे को, बहन दे देती है सारा, भुजाएँ दे देती है, कभी कभी भाई दे देता है। ऐसे जाती बच्चा बच्ची खुश रहे, आगे जाए कुछ नहीं कुछ कर लेते हैं, हमें भी कर लेते हैं, हम कुछ बच्चा बच्ची अब तक दिन कट गया, अब इतना चाहती है मेरा बच्ची खुश होना चाहिए। मोटा बड़ा होएगा, बड़ा तो होएगा छोटा, जब अगले आगे जा हम तो काट रहे हैं, तो मेरे बच्चा बच्ची तो सुख होनी चाहे, मैं ऐसे चाहती हूँ।